मतलब Q&A नहीं करना, सबको एक ही सवाल पूछना है, ठीक है? Alright! आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपके मन में सवाल काफी टाइम से है कि मैं निश्चय भाई से एक्चुअली मिला कैसे। मैं सोच रहा था Q&A करने की, पर यार ढेर सारे क्वेश्चन आ रखे थे, मैंने सोचा कि पहले ये पार्ट कवर करता हूँ फिर Q&A करते हैं। ये बात सबकी है, ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है। तो ये बात है पिछले साल की, जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था उससे पहले भी मैंने यार 2-3 चैनल में स्टार्ट कर चुका था और उनको भाई डिलीट भी कर चुका था। अब आता हूँ मेन चीज पे कि भाई मैं एक्चुअली ट्रिगर्ड भाई से मिला कैसे। तो हुआ क्या, मैंने 0 सब्सक्राइबर से अपना चैनल स्टार्ट किया जैसे कि यार सभी लोग करते हैं, और मैंने स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दी थी। और फिर कम से कम मेरे 3-4 महीने तक यार मेरी इतनी वॉचिंग रहती थी, 1-2, और उस टाइम मैं डेली फोर्टनाइट की स्ट्रीम करता था, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर उनको पता है यार कि मैं क्या करता था। और फिर मैंने और भी गेम खेलना स्टार्ट किया, अमंग अस, फॉल गाइस, क्योंकि उस टाइम ट्रेंड चल रहा था। और एक दिन मैं रात को भाई अमंग अस खेल रहा था, और वो रात भाई मैं कभी नहीं भूल सकता, अक्टूबर की बात है। उस दिन भाई कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी लाइफ ही पलट दी। मैं अपने नॉर्मली स्ट्रीम कर रहा था और एकदम से भाई चैट, जो मेरी चैट ऐसे भागने लग गई, रेड स्पैम होने लग गया। मैंने सोचा यार कोई नॉर्मली रेड आई होगी, क्योंकि यार 50-70 की वॉचिंग दिख रही थी। बाद में भाई एकदम जब 70 की वॉचिंग से 1500 वॉचिंग चढ़ी ना, बाद में ट्रिगर्ड इंसान रेड लिख रहे थे। फिर भाई एक्चुअली निश्चय भाई को तो मैं यार बहुत टाइम पहले से देखता था, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने मेरे को रेड कर दी। तो भाई चैट में रेड हो गया, और फिर भाई एक ऐसी चीज हुई जिसका मुझे भी नहीं पता मैंने क्यों करी, ठीक है? मैंने कीबोर्ड को उठाया और बस टाटा बाय बाय हो गया। जैसे निश्चय भाई की रेड खत्म हुई, मैं अपना नॉर्मल दोबारा गेम खेलने लग गया था। लाइव इंसान का रियल मैसेज आया, उन्होंने बोला भाई बिल्कुल डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट भाई, मतलब यार इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट, और वो भी इतने बड़े क्रिएटर से। उस टाइम भाई बिल्कुल मेरा जो फैन लेवल था ना, बिल्कुल पीक पे चला गया था, पूछो मत। भाई इतना डाउन टू अर्थ बंदा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में देखा। उनके भाई 2-3 मैच आए, फिर मैंने यार उनको रिक्वेस्ट किया यार प्लीज आप मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो यार। मैंने तो उनको सिर्फ ज्वाइन करने के बोला, भाई बंदे भाई सीधे VC में ही आ गए। फिर मैंने उनको ड्रैग करके उनसे बात की, अरे यार लव यू ब्रो, मैं कब से बता आपकी स्ट्रीम ही देख रहा हूँ मैं, ऐसा मेरे को बिल्कुल ऐसा डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट वाली वाइब्स आ रही है। भाई कोई इतना बड़ा क्रिएटर जिसने मेरे को अभी रिसेंटली रेड किया, और उसके 1 घंटे बाद भाई ये बंदा ये बात बोल रहा है कि मैं तब से आप ही की स्ट्रीम देख रहा हूँ, उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट तो आप मेरे से पूछो ही मत। फिर चलो ये हो गई बात, रेड वगैरह खत्म हो गई। उसके बाद मैंने उनको अपने डिस्कॉर्ड पे ऐड किया, हमारी बातचीत होने लग गई, और उन्होंने मेरे को और क्रिएटर साथ भी गेम्स खिलाए, जैसे रात को अमंग अस खेल रहे थे हम, एंड था भिक्षु और भी ज्यादा क्रिएटर थे। इस चीज के बाद मैंने अपनी नॉर्मली स्ट्रीम स्टार्ट कर दी थी और मैं करता रहता था। हाँ बीच में मैंने यार 1-3 हफ्ते के लिए मैंने बिल्कुल भी स्ट्रीम नहीं की, कुछ नहीं किया, ना कोई वीडियो पोस्ट की, क्योंकि यार मैं एक शादी में गया था। और यार मैं जैसे वापस स्ट्रीम आया तो फिर से यार मेरी वही 2-3 वॉचिंग आ गई थी, 2-3-4 वॉचिंग आती थी, मतलब लिटरली मेरा चैनल डेड ही हो गया था। पर फिर भी यार मैंने हिम्मत नहीं आई, अपनी स्ट्रीम करता रहा। और उसके बाद ये बात है दिसंबर की, और इस चीज को तो मैं कभी नहीं भूल सकता। उस दिन क्या हुआ, मैं अपने नॉर्मल रेगुलर स्ट्रीम करने लग गया था, और उस दिन भाई निश्चय भाई अपने ट्रिगर्ड इंसान वाले चैनल पे स्ट्रीम कर रहे थे कि डोनेटिंग टू स्ट्रीमर। और उस दिन क्या हुआ, उनकी एक सुपर चैट आई मेरे को 100 रुपए की, और उसने पूछा कि हाउ डज सेंटा डिलीवर द गिफ्ट। एक्चुअली मुझे क्वेश्चन आता नहीं था, पर सुपर चैट से पहले यार रेड स्पैम हो रहा था काफी ज्यादा, उनकी सुपर चैट बहुत देर में आई, और उनका फिर डिस्कॉर्ड मिस कॉल आ रखी थी कि यार सुपर चैट पढ़ लो। भाई जब सुपर चैट मेरे को दिखी, अगेन भाई बिग फैन मोमेंट यार, बिल्कुल ही दिमाग सुन हो गया, मुझे नहीं पता था मैं क्या करूं। मैंने पानी का गिलास उठाया और सीधा भाई अपने ऊपर डाल लिया, और यहां से ऐसे टी शर्ट फाड़ दी, जिन्होंने देखा हुआ उनको पता है। फिर मैंने बाद में उनके डिस्कॉर्ड मिस कॉल देखी, मैंने उनको कॉल किया, और फिर भाई कॉल पे वो बोल रहे गाना गाता हूँ तुम नाचो, भाई उस पर नाचने लगे, भाई खूब मस्ती की उस वाली स्ट्रीम पे, वो तो मैं भाई कभी नहीं भूल सकता वाली स्ट्रीम। और उनको उस दिन कुछ कार्ड का इशू चला, मैंने तो यार उनको मना कर दिया था कि यार मेरे को सुपर चैट चाहिए, अब आप आए हो बस वही बहुत है यार, भाई पहले काफी है। पर वो बोले नहीं भाई मैं तो सुपर चैट दूंगा, उन्होंने 4000 की भाई अल्टीमेट डोनेशन कर दी मेरे को। भाई क्या बंदे हैं भाई। और फिर ये सारी चीज होने के बाद, ये बात है भाई उसके 2 महीने के बाद, वैसे ऑफ स्ट्रीम तो मैं काफी टाइम खेलता रहता था उनके साथ, ये बात है 2 महीने के बाद मैं ऐसे नॉर्मली माइनक्राफ्ट स्ट्रीम कर रहा था, और मेरी शायद दूसरी स्ट्रीम थी जिस दिन शायद मैं XP फार्म बना रहा था। उस दिन भाई मेरी स्ट्रीम पे आते हैं और सीधा मैसेज करते हैं भाई, और जैसे ही उन्होंने मैसेज किया मैंने भाई उनको चैट में पूछ लिया यार, मगर आ जाओ पाजी मैं एक गेम खेलते हैं, माइनक्राफ्ट का कभी नहीं खेला। वो पहला दिन है जिस दिन मैंने ऑन स्ट्रीम निश्चय भाई के साथ माइनक्राफ्ट खेला भाई, काफी देर तक 2-2.5 घंटे तक उनके साथ बैठ के मंदिर बनाया, और बिल्कुल यार इतना फ्रेंडली खेल रहे थे भाई, पूछे मत, मुझे लग ही रहा था भाई कोई इतने बड़े क्रिएटर के साथ खेल रहा हूँ, बिल्कुल यार ऐसी फीलिंग आई नहीं थी, बिल्कुल मजा आ रहा था भाई, बिल्कुल एक प्रॉपर दोस्त की फीलिंग आ रही थी मेरे को उनके साथ। तो हमने स्ट्रीम पे खेला, ये थी गाइस स्ट्रीम्स की बात। एंड आगे जाने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप OP हो गाइस, आप OP आर्मी हो, थैंक यू सो मच यार, आप लोगों ने मेरे 50K करवाया यार, आप लोगों बस ऐसे जबरदस्त सपोर्ट चाहिए ताकि हमारी फैमिली यार और बड़ी हो यार, हम और ग्रो कर सके, आप लोग बिल्कुल OP हो। अब आगे की बात, ये बात है जब निश्चय भाई के 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे, तब मैंने क्या किया, तब तो एक सबसे पहली चीज मैंने उनके लिए एक बड़ा सा स्टैचू बनाया उनका अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में, और उसके बाद मैंने उनको अपनी स्ट्रीम पे बुलाया, हमने 10 मिलियन सेलिब्रेशन भी किया यार, फॉल गाइस वगैरह खेला, पूरा सेलिब्रेट किया, और उन्होंने मेरे को प्रैंक भी कर दिया यार, वो बोले मैंने उनके लिए 10 मिलियन केक ले आया, बोले भाई उसको सीधा अपने
मुंह में मारो। पर मैंने बिना एक भी सेकंड सोचे मैंने ये चीज कर दी यार, क्योंकि वो भी कभी मेरे को मना नहीं करते यार, तो मैं उनको मना नहीं कर सकता कोई भी चीज यार। तो मैंने बिना सोच समझे सीधा केक मुंह में डाला और भाई वो बोले अम्बुजा सीमेंटा केक बनाया, केक से कुछ हुआ ही नहीं क्योंकि वो क्रीम वाला केक नहीं था, ट्रफल केक था। ये सेलिब्रेशन स्ट्रीम से पहले मैंने उनके लिए लॉकडाउन से पहले कुछ उनके लिए किया था कि मैं उनको 10 मिलियन सरप्राइज करूंगा। मैंने 80 से 100 बंदों को खाना खिलाया था ताकि यार हमारे निश्चय भाई को दुआएं मिले, इसलिए मैंने उनको सरप्राइज करने के लिए किया था। और फिर मैंने उनके लिए एक अपने सर पे यार 10 और M लिखवाया और उनको दिखाया, उनका रिएक्शन बिल्कुल शॉकिंग था भाई, कोई बंदा ऐसे कर सकता है। ये चीज मैंने इसलिए कि यार मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल निश्चय भाई यार, इसलिए मैंने ये 10 मिलियन लिखवाया और उनको दिखाया, मैंने उनका रिएक्शन नोट किया। और जो निश्चय भाई है वो रियलिटी में भी ऐसे है, मैं उनसे रियल में ही मिला हूँ। पूरी जो मलहान फैमिली है बिल्कुल रॉकिंग यार, बिल्कुल जो सारे बंदे हैं बिल्कुल इतने डाउन टू अर्थ भाई, फुकरा इंसान, ट्रेड इंसान भाई, आप पूछे मत, बिल्कुल बिल्कुल जो बोलते हैं इतना डाउन टू अर्थ पर्सन मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा भाई। पूरी की पूरी मलहान फैमिली डाउन टू अर्थ है, मैं मिला हूँ। वो चीज मैं आपको अगली स्टोरी टाइम बताऊंगा यार कि मिला क्या हुआ क्या सीन हुआ। ये थे गाइस जो मेरी लाइफ में बड़े बड़े इवेंट्स हुए थे, ऐसे मेरी निश्चय भाई से दोस्ती स्टार्ट हुई, व्हाट्सएप बातें होती हैं, कॉल पे बातें होने लग गई। अब अगला टारगेट है उनके जो लाइव इंसान चैनल पे 10 मिलियन उस पे कुछ स्पेशल करते हैं यार, ठीक है हम कुछ स्पेशल करेंगे उस पे, वो आगे की बात है। आई थिंक अब आप सबको पता लग गया होगा यार कि मैं कैसे मिला, सबसे बड़ा सीक्रेट मैंने आज रिवील कर दिया। ये चीज मैं बहुत पहले करने वाला था, फिर मैंने सोचा यार 50K सब्सक्राइबर हो गए हैं, इस मौके पे बता ही देता हूं यार कैसे मिला, क्योंकि काफी लोग ये सवाल पूछते हैं। अब अगली वीडियो करते हैं Q&A की। अब आपसे मिलता हूं मैं Q&A की वीडियो पे यार, बाय बाय।